बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे देसी खाने यूट्यूब चैनल से। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। गर्मियों का तोड़ है ये सत्तू का शरबत। आज हम बनाएंगे सत्तू का शरबत। जैसा कि अभी रमज़ान शरीफ गुजरा है तो रोज़े रख रख के सबके मैदे में गर्मी, जिगर में मसले मिसाइल, तो इनशाला ये सत्तू के शरबत से सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। लगातार आप एक हफ्ता ये सत्तू का शरबत बना के इस्तेमाल करें तो यकीन जाने जिगर की गर्मी, मैदे के मिसाइल आपके सारे हल हो जाएंगे। पानी की कमी को भी ये बहुत अच्छे से पूरा करता है। ये बनाना बिल्कुल आसान है। दो से तीन चीजों से आप घर में ये आसानी से सत्तू का शरबत बना के तैयार कर सकते हैं। हमारे तो अपने ये घर के सत्तू है, आप बाजार से आराम से आपको ये सत्तू का जो आटा होता है, जौ का आटा इसको कहते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ सत्तू के शरबत की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी। तो हाफ कप मैंने सत्तू ले लिया, तकरीबन ये 5 से 6 खाने का चम्मच बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास शक्कर है, हाफ कप मैंने शक्कर ले लिया, ये भी 5 से 6 खाने के चम्मच शक्कर बनती है। अगर आप शक्कर के अंदर सत्तू नहीं बनाना चाहते तो आप चीनी में बना सकते हैं, लेकिन टेस्टफुल और मज़े के जो बनते हैं वो शक्कर के साथ बनते हैं जी। यहाँ पर हम जूस वाला जग ले लेंगे और इसमें सबसे पहले हम शक्कर शामिल कर देंगे जी। 2 से 3 पुदीने की पत्तियाँ हम शामिल कर देंगे। यकीन जाने इससे टेस्ट सत्तू का दुबला हो जाएगा। अभी हम पानी शामिल कर देंगे, 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। आपने जितने सत्तू बनाने हो, 2 गिलास बनाने हो, 4 गिलास बनाने हो, 6 गिलास बनाने हो, उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। उसी हिसाब से आपने सत्तू भी शामिल करना है। तकरीबन 2 से 3 गिलास के लिए 5 से 6 खाने के चम्मच सत्तू काफ़ी होते हैं। तो बाकी जो शक्कर है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और जो हमने शरबत ब्लेंड करके रखा है ये शामिल कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं शक्कर से कितना ज़बरदस्त कलर आया। साथ ही साथ हम इसमें बर्फ़ क्यूब्स भी शामिल कर देंगे। बर्फ़ जितनी आपको अच्छी लगती है, जितना आप ठंडा करना चाहते हैं आप उस हिसाब से आप बर्फ़ शामिल कर सकते हैं। सत्तू शामिल कर देंगे। 1 या 2 लेमन का रस निचोड़ लेंगे। लेमन के रस से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, लाजमी शामिल कीजिए जी। तो सत्तू के टेस्ट को दुबला करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 चुटकी काला नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 गिलास से मैंने शरबत तैयार किया, अभी इसमें 1 गिलास और पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी शामिल किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने ये इतना ज़बरदस्त सत्तू का शरबत बन के तैयार होता है। तो गाँव में जब भी कोई मेहमान आता है गर्मियों के मौसम में, गाँव में हर घर में ये सत्तू का शरबत बनाया जाता है और मेहमानों को बहुत फ़ख्र से पेश किया जाता है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सत्तू का शरबत बन के तैयार हो चुका है जी। यहाँ पे गिलास ले लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। पुदीने की पत्ती लगा देंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।